साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे, शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है।